वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रे करते हैं कि आप सदैव खुश रहें और आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे और आप अपने जीवन काल में दिन दोगुने रात सोगुनी तरक्की करें। इसके लिए माता रानी से दिन रात प्रार्थना करती हैं। वृश्चिक राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी आज आपको बहुत धन देने वाले हैं। जी हां वृश्चिक राशि वालों, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी आज आपको वो खुशखबरी देने वाले हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज आपके जीवन में कई सारे मौके आने वाले हैं और अगर यह मौका आपके हाथ से छूट गया तो यूं समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों कि आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, और दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही 100% सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे गुरुजी ने पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद तैयार किए हैं, जो कि दोस्तों आपके जीवन में 100% सटीक बैठने वाली है। इसलिए दोस्तों हम आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाइएगा नहीं और वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम वह सभी बातें बताएंगे जो आज आपके साथ घटित होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए लाभदायक भी रहेंगी और कहीं कहीं नुकसानदायक भी रहेंगी, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा काम आपको नहीं करनी है ताकि आप नुकसान से बच सकें। और दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो डलती है वो सभी वीडियो आपकी कुंडली पर आधारित होती है, बिल्कुल ही 100% सटीक भविष्यवाणी की जाती है। इसलिए दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी कोई गलत नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बातें बताएंगे जो आज आपकी कुंडली में लिखा गया है। अनुरोध केवल इतना ही करेंगे, अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय कुबेर महाराज, जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, उन्हें भगवान कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। ऐसे में दोस्तों आपका दायित्व तो बनता है कि आप एक लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं आपका महाराशिफल। दोस्तों यह समय किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बेहतरीन जानकारियां हासिल होंगी, नजदीकी लोगों के साथ मुलाकात के मौके मिलेंगे, आपसी विचारों का आदान प्रदान भी होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि इस समय उचित बजट बनाकर चलना भी जरूरी है। कोई लेन देन की योजना बनाई है तो उसे संबंधित और अधिक जानकारियां हासिल करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, बिना हासिल जानकारी किए बिना आपको किसी भी चीज में कदम नहीं रखना है। व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने कार्यों पर ही ध्यान दें और अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों ग्रह सितारे संकेत कर रहे हैं कि आज आपके बिजनेस में तेजी आएगी, काम करने के तरीकों में सुधार लाने से व्यस्त और दिनचर्या अच्छी रहेगी। और दोस्तों किसी प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध खराब न करें, सरकारी ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है, दूसरों के मामलों में ध्यान ना देकर अपने काम से ही मतलब रखें और लोगों से ज्यादा बातचीत करने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके मुख से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो कि लोग आपकी बातों को बतंगड़ बनाकर किसी दूसरों के पास पेश कर सकती है, जो कि आगे चलकर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आपको खुद में ही व्यस्त रहना है और दूसरों से ज्यादा बातचीत करने से बचना होगा।
दिन भरी किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहेंगे और किसी भी प्लानिंग पर काम करने से पहले विचार करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए ही दिक्कत होगा। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है कि आज आपको कौन सा काम करना है और वो काम आपके लिए सही है या नहीं, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। इससे आप अपनी कमियों में सुधार ला सकेंगे और अच्छे नतीजे भी हासिल कर सकते हैं। कारोबारी मामलों में परेशानियां थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से वो सभी चीजें पा सकती हैं जो आप कल्पना करती हैं। कानूनी या निवेश संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आपको जीत जरूर मिलेगी। दिन की शुरुआत बहुत ही अनुकूल रहेगी और व्यस्तता के बावजूद आप अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए भी समय निकाल ही लेंगे। भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर भी कोई अच्छी प्लानिंग होगी। युवाओं को कोई कंपटीशन संबंधी उच्च परिणाम भी प्राप्त हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। लोग आपकी योग्यता की सराहना करेंगे। दिन कुछ सामान्य ही रहेगी और सामान्य से व्यतीत होगा। आप अपनी योग्यता से मन मुताबिक कामों में सफलता पालेंगे और किसी भी खास मित्र के साथ व्यवसायिक मतभेद की वजह से दूरियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी उपलब्धियों को दूसरों के सामने जाहिर ना करें, आपके विरोधी जलन की भावना से नुकसान पहुंचा सकती हैं। युवा अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव रहेंगे अपने कार्यों पर ही, और आपकी व्यवसायिक गतिविधियां अभी पहले की तरह ही रहेगी। उसमें कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने सूझबूझ से चलेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे तो हो सकता है। कभी कभी कोई फैसला लेने में दुविधा हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी इंसान की सलाह जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर पर ही करने की वजह से दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन दोस्तों आपको अपने कामों पर ही ध्यान देना चाहिए। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह परिवार पर बना रहेगा और अध्यात्म से जुड़ी किसी विशेष बात को गहराई से जानने में रुचि होंगी और कुछ नई जानकारियां आज आपको प्राप्त होंगी। किसी महत्वपूर्ण यात्रा को भी स्थगित करने का फैसला लेना ही आपके लिए सही रहेगा। वहीं दोस्तों, कुछ लोग आपकी जलन की भावना से आपको गलत राहों में भटकाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज का दिन आपको दूसरों से सलाह मांगने से बचना होगा। कोई भी मुश्किल आने पर किसी शुभ चिंतक से विचार विमर्श करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो इंसान कैसा है। गलत आदमी से अगर आप राय मांग लेंगे तो आपको गलत ही दिशा देंगे, इसलिए आपको किसी से भी सलाह मशवरा मांगने से पहले, मदद मांगने से पहले दोबारा सोच लेनी है कि वो इंसान कैसा है, आपको सही रास्ता देगा या नहीं, इसके बारे में आप दोबारा जरूर सोचिएगा। समय अनुसार बिजनेस में काम करने के तरीके में बदलाव करते रहना जरूरी है। मीडिया और ऑनलाइन कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, इससे बिजनेस को गति देने में मदद मिलेगी। नौकरी में किसी भी सहयोगी के साथ फालतू बहस में ना पड़ें, जितना हो सके छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर अभी सकारात्मक बना हुआ है और दोनों ही अभी आपके पक्ष में है, ग्रह और भाग्य, इसलिए आज आपको फायदा के योग बन रहे हैं। भाग्य भी आज आपका तकरीबन 77% साथ दे रहे हैं, और अगर आप अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा समय देंगे तो आपको लाभ भी ज़रूर होगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी का असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार वालों को प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगल।